हेलो एवरीबॉडी एंड सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम फॉर्म शुरू हो चुके हैं. द एग्जाम विंडो हैज ओपन. सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स कब से पूछ रहे थे सर इतना लेट क्यों हो चुका. तो यस, द वीडियो इज आउट नाउ एंड हम लोग आज भरने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स. सो लेट्स स्टार्ट. एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, दिस इज सीए नीरज महाजन. आई वेलकम यू टू दिस चैनल एंड लेट्स गो अहेड. ऑलराइट, तो यस, हमारी फेवरेट पहले की वेबसाइट हुआ करती थी icaiexam.icai.org. भाई यहाँ पे हम लोग सब कुछ चीज करते थे अबाउट एग्जामिनेशन भरना, रिजल्ट देखना, नॉट रिजल्ट देखना बट एवरीथिंग अबाउट एडमिट कार्ड वगैरह, दिस वॉज आवर वेबसाइट. बट उन्होंने इस बार क्या किया है, इतने सारे दो चार वेबसाइट्स हो रहे थे, CDS अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, ICAI का खुद का अलग है, रिजल्ट्स के लिए अलग है, और रिजल्ट्स के लिए हमेशा अलग रहेगा बट बाकी की चीजें नाउ दे आर ट्राइंग टू कंबाइन इट. और SSP बनाया है ना, SSP Self Service Portal. So from this attempt onwards, ICAI ने decide किया है all important details, at least तुम्हारे examination forms, even that will be shifted to SSP. Okay? तो video obviously भाई आराम से देखो, पूरे end तक देखो, share करो तुम्हारे friends के साथ जो भी examination forms भरने वाले हैं. Alright, let it be one group, second group या both the groups, whatever. We will just quickly go through a demo of how to do it. Okay? तो अभी ये attempt से SSP पे जाना है, तो SSP के लिए भाई हमको ICAI website पे जाना पड़ेगा. So ICAI.org. Please don't ask me stupid questions like सर मोबाइल से होता है कि नहीं, मोबाइल के ब्राउजर के थ्रू होगा कि नहीं. प्लीज अरेंज, हो सके तो प्लीज ट्राई करो. और या फिर फोन पे भी होता है तो यूज द डेस्कटॉप मोड यूज करके भी आप ट्राई कर सकते हो फोन के ब्राउजर पे. वरना प्लीज ट्राई टू फेच एक, अगर हो सके तो प्लीज कहीं से आप जुगाड़ कराओ. ओके, चलो आगे बढ़ते. तो वेबसाइट पे आने के बाद यूर वी हैव ई सर्विसेस, क्योंकि SSP पे जाना है. E-services में obviously E-services for the students, right? चलो यहाँ पे क्लिक कर लिया हम लोगों ने. Alright, अब यहाँ पे आप फिर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं. नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझको दिखता है यहाँ पे SSP, यहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल, राइट? Alright, वहाँ पे जाते हैं. And this one, obviously पहला लिंक for existing members and students, right? Okay, चलो. कभी अभी गलती से पूछोगे फिर से अगला सवाल, सर मेरा पासवर्ड नहीं है, क्या करूँ? यहाँ पे है फॉरगॉट पासवर्ड. उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका SRN नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ईमेल वगैरह होगा, कुछ भी होगा, यू कैन गिव दैट एंड रीजनरेट द पासवर्ड. अगर नहीं है तो प्लीज चेक योर ईमेल्स. और प्लीज एक अच्छी आदत बनाओ, क्योंकि आप दो चार वेबसाइट से कनेक्टेड रहते हो, कम से कम ICAI, ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिटन डाउन समवेयर, कहीं पे लिखो उसको, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, फेवरेट्स पे डालो, कुछ भी करो, दो तीन जगह पे डालो, गूगल ड्राइव पे डालो. प्लीज यार, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दीज user ID and passwords safe and properly somewhere, okay? ताकि आपको accessible रहे whenever you need them, है ना? चलो आगे बढ़े. So user ID password आपका जो भी है, SRN, WRO, NRO, CRO, okay, ERO जो भी रहेगा, all right. Okay, मेरे पास है already user ID password एक student का, so let's go ahead. And this is we are logging into the SSP portal. और आपको यहाँ पे आपकी खूबसूरत तस्वीर खुद की दिख जाएगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑल योर डिटेल्स, नेम, SRN, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल ऑफ दैट, राइट? व्यू प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा. अब यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के फंक्शंस क्या हुआ करते हैं, स्टूडेंट फंक्शन है ना, बेसिक में अप्लाई फॉर दिस एंड दैट, मतलब बेसिक आपको जो हर बार जरूरी पड़ता है. आर्टिकलशिप जब आपका इंटरमीडिएट, वो डिपेंड्स, डायरेक्ट एंट्री हो या फिर फ्रेशर हो फ्रॉम फाउंडेशन, तो आर्टिकलशिप के फंक्शन आपको बाद में यूज होंगे. अब यहाँ पे तीसरा एग्जामिनेशन फंक्शन या फिर मॉड्यूल, यहाँ पे उन्होंने मतलब एक डोमेन और एक ऐड किया है यहाँ पे, एग्जामिनेशन फंक्शन. ओके, तो ये नया वाला है. हियर वी हैव टू क्लिक ऑन द फॉर्म फॉर ट्रांजैक्शन, दैट मींस यू आर फाइलिंग द ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फॉर्म, इंटरमीडिएट एग्जाम रजिस्ट्रेशन, क्लिक देयर ऑन द राइट हैंड साइड. और टाइम लगने तो थोड़ा सा पूरा पेज लोड होने में. ओके, पहले इंस्ट्रक्शन आ गया, नोट्स फॉर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑफ एप्लीकेंट्स. तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू कुछ, क्योंकि आपके कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं. सर एग्जाम फॉर्म्स कब से शुरू हुए थे और कब तक है, एंड ऑल ऑफ दोस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू क्विकली सॉल्व. ओके, तो ये प्लीज एक बार ये इंस्ट्रक्शन से आप एक बार गो थ्रू करो, 20 पेजेस का है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल द पेजेस राइट नाउ. ओके, सबको इसकी जरूरत, मतलब आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट ईच एंड एवरी पेज राइट नाउ. ओके, आगे बढ़ते हैं, चेक करो कुछ कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे के रखे भाई. डू नॉट ओपन मोर देन वन सेशन एट द टाइम ऑन द सेम कंप्यूटर व्हाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, दो अलग अलग टैब ऐसा मत करना. ओके, डू नॉट फिल मोर देन वन फॉर्म एट द सेम टाइम, इवन इफ यू आर फाइलिंग द टू एप्लीकेशन यूजिंग डिफरेंट ब्राउजर्स
और डिफरेंट ऐप टैब्स ऑन द सेम ब्राउजर, अलग अलग ब्राउजर खोल के या फिर एक ही ब्राउजर में अलग अलग टैब खोल के दो बार एक साथ बच्चों एसएसपी में दो सेशंस लाइव मत रखना, दो सेशंस खुले मत रखना किधर से भी, ओके okay? और कुछ कभी इशू होता तो आप कुकीज वगैरह क्लियर करो वहां से, ओके। डू नॉट फिल यूजिंग मोबाइल फोन्स, खत्म, बात खत्म, ओके okay? तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया आईसीएनएफ, डू नॉट प्लीज डू नॉट फाइल फ्रॉम यूजिंग योर मोबाइल फोन का ब्राउजर नॉल, ओके एवरीबॉडी। चलो, जो कि रिपीटर भी रहेंगे, कन्वर्टेड स्टूडेंट्स भी रहेंगे फ्रॉम आईपीसीई, आईपीसीसी, P2 पुराना इंटरमीडिएट, इवन आप भी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इवन फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स और कैसे माइग्रेटेड स्टूडेंट्स, ओके। अब अगला सवाल आएगा कि हम लोग अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो एडमिट कार्ड कब आएगा, तो उन्होंने बोला एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेगा तुमको, यही ई सर्विसेज, जैसे ई सर्विसेज आता है यू शुड कीप इन योर माइंड, हम लोग एसएसपी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ई सर्विसेज मतलब क्या, एसएसपी सेल्फ सर्विस पोर्टल, जहाँ पे हम लोग है अभी, जनरली 14 डेज बिफोर द एग्जाम आ जाएगा, जैसे ही तुम्हारा फाउंडेशन का आया था सेम टू सेम है। द थिंग इज दैट आईसीआई एग्जाम जो वेबसाइट था उसका सब मेन काम अभी एसएसपी के अंदर आ चुका, उतना ही है, ओके। तो 14 डेज बिफोर द एग्जाम आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा एसएसपी के लॉग इन में ही। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स, ये हमारे लिए जरूरी है। स्टार्ट डेट बच्चों पर हो ही चुका था, 10th अगस्त को ही शुरू हो चुका था एग्जाम फॉर्म फाइल करना। लास्ट डेट कब तक है विदाउट लेट फीस, 31st अगस्त। मैं फीस के नॉर्मल फीस के बारे में बताऊंगा कि ग्रुप वन दे रहे हो, ग्रुप टू दे रहे हो, दोनों दे रहे हो तो कोई फीस क्या है, इवन दैट वी विल डिस्कस, ओके। तो विदाउट लेट फीस 31st अगस्त, तो प्लीज 31st अगस्त ही रखो, 31st अगस्त भी छोड़ रहे हैं, तुम 20 अगस्त तुम्हारे दिमाग में रखो, तुम्हारे फोन पे, जैसे तुम ये वीडियो अगर देख रहे हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एक रिमाइंडर एक लगा लो तुम्हारे फोन में दैट आई वी हैव टू फाइल द फॉर्म, ओके, लेट अस से बाय 20th अगस्त, ऐसा तुम्हारे फोन पे लगा लो चाहिए तो, ओके। तो प्लीज फिनिश इट एज अर्ली एज पॉसिबल, पर अगर लेट फीस रहा तो मैक्सिमम बच्चों बाय 7th सितंबर, बच्चों 7th सितंबर तक आप भर सकते हो विद लेट फीस ऑफ ₹600 एक्स्ट्रा, ओके। 7 सितंबर के पास बच्चों कोई भी स्कोप नहीं है, बट 7 सितंबर छोड़ो, नॉर्मल ड्यू डेट इज 31st अगस्त, सॉरी, और उसके भी पहले मेरे हिसाब से दिमाग में रखो 20 अगस्त तक काम तमाम कर दो, खत्म कर दो यार, है ना। टाइम टेबल तो ऑलरेडी आईसीएन ने रिलीज कर ही दिया था, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट कि 2nd नवंबर से आपकी चालू होने वाली है ना। बाकी की डिटेल्स अबाउट कन्वर्जन, लाइक आई सेड, पुराने स्टूडेंट्स के लिए, डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए, वो सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं, यू कैन रीड जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। चलो आते हैं इंपॉर्टेंट बच्चों की तरफ, कि फी फॉर बोथ ग्रुप्स, अगर आप दोनों दे रहे हो तो, मतलब ऑब्वियसली मैं इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियन सेंटर्स की बात करूँ, 2700 रुपीज आपका दोनों ग्रुप का है, और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो इट इज 1500 रुपीज। यस एवरीबॉडी, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, इधर ग्रुप वन 1500, ओनली ग्रुप टू दे रहे हो 1500, और आप दोनों दे रहे हो एक साथ तो 2700। ऑलराइट, लेट फीस तो अगर मैंने आपको जस्ट आपको दिखाई दिया था, ओके आगे बढ़ते हम लोग। यस, बीच में एक बच्चों तो आपका एक करेक्शन विंडो भी आज आएगा, ओके। करेक्शन विंडो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये पुराने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको ये फिलहाल, आपको अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो आपको काम का नहीं है ये। ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर सीकिंग चेंज ऑफ सेंटर, अगर आपको मान लो एग्जाम सेंटर के बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आपने फिलहाल सेंटर को ही चूज किया था, बट आप वहां पे जा नहीं पा रहे हो, या फिर वहां से आप एग्जाम नहीं दे पाओगे फॉर एनी रीजन, तो आप सेंटर चेंज कर सकते हो, या फिर आपने गलत सेंटर सेलेक्ट कर लिया था तो आप सेंटर चेंज कर सकते हो। आपका ग्रुप वन ही आपने सिलेक्ट किया था पर ग्रुप टू देना है, वाइस वर्सा ऐसा कुछ रहेगा, ओके, तो कम तो नहीं होगा, आप बढ़ा सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, दैट वी कैन डू। तो ग्रुप चेंज या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश था आपको हिंदी देना था, आपने हिंदी सेलेक्ट किया है गलती से, आपको इंग्लिश देना था, सो दैट चेंजेस यू कैन डू, ओके। और वो कहाँ पे होगा बच्चों, चेक करना, द ऑनलाइन विंडो फॉर सीकिंग चेंज, बच्चों ये भी तुम्हारा एसएसपी में ही, एसएसपी पोर्टल मतलब सेल्फ सर्विस पोर्टल में ही होगा, ओके, चेक कर लेना यहाँ पे। दिस अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड एज करेक्शन विंडो विच विल बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमको ऑनलाइन ये सब करना है अपने एसएसपी में से, है ना, एसएसपी पोर्टल में से। ऑलराइट, बढ़ते बच्चों यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट आया था, यस वी हैव रेड इट, तो आगे बढ़ते हैं। ये अच्छी बात एसएसपी की ये है कि सब डिटेल आईसीए के पास ऑलरेडी है, तो वो फिर से सब डिटेल्स पंच कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, राइट, दैट शुड बी द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर जैसे मैं सामने देखता हूँ कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म फॉर नवंबर 22 दिखता है, स्टूडेंट के सब डिटेल्स यहाँ पे दिखते हैं, राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, एक बार प्लीज देख लेना आप जो भी डिटेल्स है वो सही है या नहीं है, एंड गो अहेड। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दे के रखा है यहाँ पे, देन एंड देन यू हैव योर फोटो एंड योर सिग्नेचर, राइट। If blank, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है फॉर्म कांट बी सबमिटेड, बट जनरली ऐसा शायद होना तो नहीं चाहिए, स्पेशली आप अगर फाउंडेशन से इंटर में गए हो तो,
क्योंकि जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फाउंडेशन का भरा था तब आपने फोटो लगाया था, तो सर फोटो वोटो स्कैन होकर आज आईसीआई के पास एसएसपी में है, पर अगर आप शायद डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट से तो शायद नहीं रहेगा, तो आपको प्रिंटआउट लेके आपको उसको भेजना पड़ेगा आगे। फॉर दैट यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे दिखाया था। आगे देखना, इट इज रिकमेंडेड टू अपडेट योर फोटो एंड सिग्नेचर। कैसे अगर नहीं दिख रहा तो क्या करे, स्टूडेंट फंक्शन में जाओ पीछे जाके, मतलब अभी जो हम लोग आगे गए हैं ना, तो पीछे जाके स्टूडेंट फंक्शन में जाना, स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना, प्रोफाइल एडिट फॉर्म करना, ओके, और वहां पे आप आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट, बाकी करंट कोर्स में आपको देखेगा आप इंटरमीडिएट में हो, ओके, बेसिकली आपके आपके कोर्स की डिटेल्स दिख जाएंगे और देन यू कैन गो अहेड। एक बार देख लो सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। जो लोग फ्रेश स्टूडेंट्स हैं आपका आर्टिकल पर कोई सवाल नहीं दिख रहा या फिर कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, एंड यू विल सी फाउंडेशन की डिटेल्स अगर आप क्लियर हुए हैं या जो भी थे आपका फाउंडेशन के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, गो अहेड। डू यू हैव एनी वैलिड पेपर एग्जेम्पशन, अगर आप आपका ये पहला अटेम्प्ट है या फिर आपको कोई प्रीवियस एग्जाम में इंटर के प्रीवियस कोई पहले एग्जाम में आपको 60 एंड प्लस नहीं मिले थे, देन एग्जेम्पशन नहीं है, ओके। सो लेट्स क्लिक ऑन नो, अगर है तो ऑब्वियसली कैन क्लिक ऑन यस, और जैसे आप यस करते हो तो आपके पेपर वगैरह डिटेल्स वगैरह सब आ जाते हैं कि कौन से पेपर में आपको कितना मिला था, कौन से अटेम्प्ट में, रोल नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यस। तो अभी फिलहाल नो है, क्लिक ऑन नो। आगे नेक्स्ट, मीडियम ऑप्टेड प्लीज बी केयरफुल, आपको बेसिकली यहाँ दो चार चीजें करनी, ज्यादा नहीं करनी है, है ना। सो मीडियम ऑप्टेड इज आपका जो भी रहेगा, फिलहाल के लिए इंग्लिश है ऑफ द स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन अप्लाइड फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2 ओनली, यूनिट 4A, 5A, 6A, वो सब आपका फिलहाल नहीं है, छोड़ दो उसको। तो क्लिक ऑन जो भी आप करेगा, ओनली ग्रुप 1, ओनली ग्रुप 2 या बोथ, जो भी रहेगा आपके हिसाब से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन रीजन, ये आई थिंक आपके पास ऑलरेडी रीजन नंबर है, सो यू नो ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन कौन सा आपका रहेगा, है ना। तो जो भी रहेगा प्लीज क्लिक आपके हिसाब से, ओवरसीज से दे रहे हो, बाहर से दे रहे हो, आउटसाइड इंडिया से दे रहे हो, सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड ओवरसीज, डिपेंडिंग आप कौन से जोन में हो। अगर आपको नहीं पता, ऑब्वियसली यू शुड बी नोइंग, सीआरओ है तो सेंट्रल, एनआरओ है तो नॉर्थ, है ना, तो आपका ईआरओ रहेगा तो ईस्टर्न रहेगा, डब्ल्यूआरओ है तो वेस्टर्न, है ना। देन एग्जामिनेशन स्टेट, ऑब्वियसली फिर क्योंकि जोन है तो जोन के अंदर कौन से स्टेट से आप देना चाहते हो, बेसिकली आप कोई भी क्लिक कर लो आपके आपके स्टेट वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। देन यहाँ पे आपको आपके आपके सिटीज वगैरह आपको देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कौन सा लू मैम, नागपुर 1 लू, मुंबई 3 लू, ठाणे, मुंबई 2, मुंबई 5, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली वैसे दिया नहीं है, तो अभी भी हमको आई सी आई एग्जाम जो वेबसाइट था, आई सी ए आई वेबसाइट पुराना वाला, चेक हो आई सी आई एग्जाम, वही पे मुझको अब तक क्या दिखेगा, मुझको मेरे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 वाले, तो यहाँ पे May 22 वाले, बट स्टिल आई कैन टेक हेल्प ऑफ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक किया, May 22, कौन सी वेबसाइट है, आईसीआई एग्जाम, यहाँ पे क्लिक किया एग्जाम डिटेल्स पे, आई कैन सी योर एग्जाम सेंटर्स, ओके, एंड देन यहाँ पे आपके जोन के हिसाब से करो, मतलब मैंने आपको फिलहाल एग्जाम्पल दिया वेस्टर्न जोन का, मुंबई 1, 2, 3, 4, 5, देन यू कैन क्लिक अगेन हियर ऑन वेस्टर्न जोन, करेक्ट। सी जैसे हम लोग कोई भी सिलेक्ट करेंगे अपने आप एरिया भी आ जाएगा, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बट फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई की बात कर रहा था ना, मान लो मुंबई 5 में क्या आता है, मुंबई 5 में आता है सेंटा क्रूज, विले पाले, अंधेरी, राइट, ओके, तो हम फिलहाल फिर से वही वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हम थे एसएसपी में, मुंबई 5 वाज सेंटा क्रूज, विले पाले, अंधेरी, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ये मुंबई, जैसे मैंने मुंबई 5 पे क्लिक किया आई सी ओवर हियर सेंटा क्रूज, विले पाले, अंधेरी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो आप कोई भी सिलेक्ट करोगे आपको आपका एरिया दिख जाएगा, ऑलराइट, ओके। तो आप जैसे आपको कोई भी आपका शहर जो भी रहेगा, अगर आपका बड़ा शहर है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कैटेगरी देख रहे हैं, क्लिक करो और आपका एरिया दिख जाएगा, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आई टोल्ड यू आईसीआई एग्जाम पे जाओ, यहाँ पे आपको लिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, है ना, यू कैन गो बैक इन द वीडियो एंड चेक, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे थे, ओके, फी एग्जाम जैसे मैंने बोला ओनली एक ही ग्रुप दे रहे हो तो 1500, दोनों दे रहे हो तो 2700, क्लिक करो ऑन आई एग्री, सबमिट, डू यू वॉन्ट टू सबमिट, क्या बोलते हो, देना है ना, यस, और पास भी होना ऑब्वियसली यार, यस, मुझे लगा कुछ हैंग हो गया, नहीं चल रहा है, रीडायरेक्ट इनटू पेमेंट गेटवे, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे का बोलो जल्दी से जल्दी मेरी मेंबरशिप फीस ले लो, आप कितने बार आप एग्जाम फॉर्म ही लोगे, है ना, ऑल राइट। आई सजेस्ट आप
रुपए वाला कार्ड जरा सा कभी 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 मैंने सुना है इश्यू होता है, बट अगर यूपीआई है ओनली तो बेस्ट है। चलो इसको दिखाने के तुमको तो जरूरत है नहीं, तो मैं पेमेंट करता हूँ एंड देन आई शो यू द नेक्स्ट पेज क्या दिखता है ना। आपका जो भी यहाँ पे ऑप्शन देख लो एक बार, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कुछ है, यूपीआई नेट बैंकिंग आई थिंक आजकल यूपीआई सभी के पास है, नहीं आएगा तो कार्ड्स वार्ड्स यहाँ पे है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ओके दैट यू ऑल्सो कैन ट्राई। ओके बेसिकली मैंने पेमेंट किया यूपीआई के थ्रू, बट मेरी बैंकिंग से डेबिट भी हो गया है, मेरे बैंक से बच्चों पैसा चला भी गया 1500 रुपये, और यहाँ पे वो गोल 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 घूमता रहा, मुझे लगा अभी शायद जाके सक्सेसफुल दिखाएगा, बट केम बैक ऑन द सेम पेज हियर, पेमेंट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा गए मेरे 1500 रुपये, मतलब अभी के लिए गए हैं शायद, बट देखते हैं। बट वॉट डज आईसीआई से, अगर इन केस यू हैव मेड पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस मोर देन वंस एंड डू नॉट गेट अ रिफंड, ये तो हो चुका, पर अगर मान लो अपना किधर हो गया एक्स्ट्रा, हाँ मल्टीपल पेमेंट्स जो भी उनके पास आते हैं, अगर क्यों डबल पेमेंट्स हो चुके हैं, देर इज अ फेलियर वगैरह कि मेरे से डेबिट हो गया पर वहां से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, इन दैट केस अपने को रिफंड मिल जाएगा विद इन 21 डेज। वो उनका जो सिस्टम है वो अपने आप आइडेंटिफाई करता है डबल पेमेंट फ्रॉम अ रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, कोई भी स्टूडेंट डबल ट्रिपल पेमेंट हो चुका है अगर उनसे गलती से, वो अपने आप डिटेक्ट होता है उनके सिस्टम में, और वो जो भी अकाउंट से पेमेंट गया था वो अकाउंट में अपने आप रिफंड हो जाता है। सो बेसिकली जस्ट नाउ आई ट्राइड यूपीआई, ओके यूपीआई तो मेरा बैंक से चला गया है वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए आई विल कैंसिल यहाँ पे फिलहाल एंड लेट अस ट्राई, आई मे बी आई ट्राई विद नेट बैंकिंग, शायद इससे हो जाना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो प्लीज़ आप डेबिट कार्ड भी ट्राई कर सकते हो। ओके और बीच में यहाँ पे वेबसाइट ने जान दे दी, व्हेन आई चोजन व्हेन आई ट्राइड इंटरनेट बैंकिंग, बोलते हैं कि बैंकिंग पेटीएम में कुछ इशू चल रहा पता नहीं, लेट अस ट्राई, अभी हमको दूसरा कुछ मेथड ट्राई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड कह रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से क्लोज करूँगा and redo the process. Finally, exam form payment ho chuka hai. Congratulations, your examination version form has been submitted successfully. You'll have an option to correct changes. Agar kuch problem ho gaya, you can do that later on. Uske liye ICAI baad mein announcement degi. Obviously, tumhara exam form bharne ka time cut off hone ke baad correction window kholega. So wait for that. If at all, aapko kuch changes karne hai toh. Kindly go to intermediate exam registration form to view the application and download the application form. Okay, close करते हैं यहाँ पे. Okay, आपका application आ चुका है. Application number दिखता है. Application submitted दिख रहा है. About examination, WR number, आपकी details, बाकी सब यहाँ पे है. You can click on application print यहाँ पर. Click here to download the exam form. Great. So like I said, student के सब details यहाँ पे आ जाते हैं. और आपका फॉर्म हैज बीन फिल्ड, आपका फोटो और साइन आ रहा है, यू हैव टू डू नथिंग आफ्टर दैट, कुछ भी आपको करना नहीं है, ऑलराइट। और आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा एग्जाम्स के 2 हफ्ते पहले, राइट। एक बार बस चेक करो आपकी डिटेल्स ऑल ऑफ दैट कि अपने आप सब कुछ ठीक ठाक कैप्चर हुआ है क्या, जस्ट चेक इट। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो प्लीज गाइज कमेंट में डाल दो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप ये वीडियो अगर तुमको काम में आया रहेगा तो प्लीज लाइक कर देना पक्के से, वीडियो को शेयर करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज फाउंडेशन आई टीच फ्रॉम 11 टू इंटरमीडिएट ऑल्सो, तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ रिलेवेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए भी कुछ ना कुछ चैनल पर आता ही रहेगा। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चीयर्स, कुछ भी डाउट रहेंगे, कुछ भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, अगर आपको आपको कुछ दूसरी चीज पता चलती है तो प्लीज हेल्प ईच अदर इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज पूछो इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। चलो सी यू लेटर्स, बाय बाय एलिगेटर्स।